सोनीपत में कई प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन सोनीपत के हलवाई अड्डे में प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर माँ चिटाने वाली की मूर्ति को स्थापित किया गया है। और ख़ास तौर पर बात करें तो यह मंदिर काफ़ी साल पुराना है और यहाँ पर श्रद्धालुओं की आस्था है कि जो भी यहाँ पर सच्चे मन से अपनी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करने के लिए पहुँचता है तो उसकी अरदास जो है वो सुनी जाती है और भगवान के चरणों में सच्ची अरदास लगाने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की इच्छा पूरी होती है। आज दूसरा नवरात्रा है और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं सोनीपत के हलवाई हट्टे में, ये प्राचीन माता का मंदिर है और ये तस्वीर जिस प्रकार से आप अलौकिक दर्शन कर सकते हैं कि माता को काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और जिस प्रकार से बात करें तो नवरात्रों में काफ़ी यहाँ पर मान्यता है और इस दिन वैसे प्रतिदिन यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन नवरात्रों के वक्त जो है यहाँ पर पूजा पाठ करने से जो है मन चाह जो फल है वो यहाँ मिलता। हमारे साथ पुजारी हैं, पुजारी जी से बात कर लें। पुजारी जी, किस प्रकार से मंदिर में पूजा पाठ आज दूसरा दिन है, किस प्रकार से पूजा पाठ रही? यह माता का मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, सिद्धपीठ मंदिर है, माता चट्टाने वाली माता का मंदिर है और यहाँ जो अपनी मनोकामना लेकर आता है माता के चरणों में सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और आज दूसरा नवरात्रा है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा है। जो भी यहाँ आते हैं श्रद्धालु बड़े मनोभाव से आते हैं और माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। देख रहे हैं माता का दरबार जो है काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। श्रद्धालु किस टाइम से पहुँचना शुरू हो जाते हैं? यहाँ सुबह 6 बजे से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाता है और दोपहर को 1 बजे तक श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। श्याम के समय माता का मंदिर 4 बजे खुलता है और रात्रि 10 बजे तक माता के दर्शन यहाँ पर होते हैं। श्याम को 7:15 बजे माता की आरती होती है जिसमें काफ़ी श्रद्धालु आते हैं और माता के दर्शनों का लाभ लेते हैं, माता की आरती का लाभ लेते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं वो यहाँ पर पूजा पाठ के लिए पहुँचे हैं। आपका क्या नाम है, क्या कहेंगे, किस प्रकार का प्राचीन मंदिर है और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो सच्ची श्रद्धा के साथ पहुँचते हैं तो किस प्रकार की अरदास पूरी होती है? ये सबसे प्राचीन मंदिर है बड़ा बाजार हलवाई अट्टा सुनारो वाली गली का। ये माँ चट्टाने वाली माता है, यहाँ पर हर रोज़ खूब श्रद्धालु आते हैं, खूब भक्ति भाव से पूजा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। और जिस प्रकार से माता को प्रतिदिन सजाया जाता है मंदिर में, प्रत्येक जितने भी मूर्तियाँ हैं सबको बड़े अच्छे ढंग से सजाया जाता है, सबकी मनोकामना माता रानी पूरी करती है और यहाँ अच्छे अच्छे कीर्तन भजन सत्संग वगैरह किया जाता है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से माता चिटाने वाली का ये मंदिर है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है, शाम के समय यहाँ पर भजन होता है। तो यहीं जिस प्रकार से 9 नवरात्रे हैं, 9 नवरात्रे के अंतिम जो नवमी 8 के दिन यहाँ पर जो है पूजा पाठ जो है छठ की कढ़ाई जो है वो होती है। निश्चित तौर पर यहाँ पर श्रद्धालुओं में एक काफ़ी यहाँ पर शाम के वक्त भी भीड़ जो है उमड़ती है, लेकिन बात करें तो ये एक काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर प्रतिदिन की भांति जो है नवरात्रों में कुछ ज़्यादा भीड़ होती है और लगातार श्रद्धालु अपने सच्चे मन से माता के दरबार में पहुंचकर अरदास लगाते हैं। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मार।